अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दी सेहा चैनल पे आप सबको वेलकम। आज हम बात करेंगे आलमंड्स यानी बादाम के फवाइद। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूअर्स, हम आलमंड्स का इस्तेमाल बहुत मुख्तलिफ अंदाज में करते, अक्सर लोग इसे खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चे आलमंड मिल्क शौक से पीना पसंद करते हैं। इसके अलावा इसे स्वीट डिशेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विटामिंस, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फाइबर के अलावा बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अगर इसको भिगोकर या छिलका उतारकर खाया जाए तो इससे ज्यादा फायदा होता है। आलमंड में लाइपेज नामी एंजाइम मौजूद होता है जो फैट को जल्द हजम होने में मदद देता है। आलमंड वेट लॉस करने में भी बेहतरीन साबित होता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट खवातीन के लिए भी मुफीद है। आलमंड्स कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करता है। ये प्लाज्मा और ब्लड सेल में विटामिन ई के लेवल को इंक्रीज करता है। एक स्टडी के मुताबिक पीनट्स, वॉलनट्स और आलमंड्स खाने वालों में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ना खाने वालों के मुकाबले में कम होता है। आलमंड्स बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मैनेज रखने में मदद देता है। व्यूअर्स, माहिरीन का कहना है कि आलमंड्स का इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों में यूज़फुल है, जैसे आँखों से पानी आना, लीवर के मसाइल, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन और मैदे के अमराज वगैरह। नाजरीन, रिसर्च कहती है कि अगर आलमंड्स का इस्तेमाल मॉर्निंग स्नैक्स के तौर पर किया जाए तो ये आपको लॉन्ग टाइम फुल रखते हैं, जिससे एपेटाइट्स लेवल लो होता है। आलमंड्स मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, विटामिन के, प्रोटीन, जिंक और कैल्शियम पर मुश्तमिल होता है, जो हड्डियों की मजबूती और सेहत के लिए मुफीद है। माहिरीन इनको सिर्फ इसलिए रिकमेंड करते हैं ताकि बोन स्ट्रॉन्ग हो सके। लेकिन व्यूअर्स, हम आपसे यही कहेंगे कि आलमंड्स को मुनासिब तादाद में खाएं। किसी भी चीज़ की ज्यादती आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।